गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वेक्टर एलजेब्रा स्टडी करेंगे। तो आइए, वेक्टर एलजेब्रा पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर क्या चीज है। ओके, ये आया कहाँ से? तो यू नो स्टूडेंट्स, क्वांटिटीज मीन्स हिंदी में कहते हैं राशियां। तो ये क्या है? जैसे मैंने कहा मास, द्रव्यमान, ओके, वॉल्यूम, आयतन, एरिया, ओके, तो ये सब क्या है? ये सब क्वांटिटीज, एक्सीलरेशन कह दिया, वेलोसिटी कह दिया, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब क्वांटिटीज। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो क्वांटिटीज को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में? टू कैटेगरी। एक वो कैटेगरी बताई गई जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। अब इसमें माइंड में आएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 2 meter here, then 2 here, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड आपका। ओके, और इसको अगर हम कहें ये यूनिट है आपकी, तो ये हो गई मैग्नीट्यूड। तो कुछ जो क्वांटिटीज होती हैं उनके मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के अगर मैंने बात कर ली एक्सीलरेशन, ओके, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? मैंने ये पेन है ऐसे मैंने छोड़ दिया, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ जो एक्सीलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी अर्थ जो होता है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो यहाँ चीज पॉजिटिव होगा। बट इस चीज को अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहे हैं ऐसे, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ जो एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी एक्सीलरेशन के अपोजिट कार्य करेगा, इसलिए यहाँ माइनस जी होगा। तो अगर जब भी किसी क्वेश्चन में अगर हम एक्सीलरेशन को ए की वैल्यू जी यूज कर रहे हैं इक्वल जी, तो हम समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। बट अगर मैं ए की वैल्यू माइनस जी यूज कर रहा हूं, देन आई थिंक हियर गो टू, ओके, समझ में आ गया। तो ये चीजें होती हैं जो क्वांटिटीज को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, देन ये कॉल्ड वेक्टर। क्या कहलाते हैं? वेक्टर। अब जैसे मैंने कहा 2 kg, ये 2 kg, तो 2 kg कह दिया ये एक मास है, ये मास, तो मास बताने के लिए कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्केलर। हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश, यानी ये हो गया स्केलर, ओके, और ये हो गया वेक्टर। तो समझ में आ गया। तो बहुत सारी क्वांटिटीज, जिसको भी कोई क्वांटिटीज की बात करे लेकिन दिमाग में रख लो, जैसे मैंने टाइम की बात की, तो टाइम क्या है? उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा 2 hours, 3 hours कह दिया मैंने, तो यहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम क्या हो गया? ये स्केलर हो गया। और अगर मैंने कहा 2 meter per second, तो ये भी, अगर मैंने कहा 2 meter per second, तो ये भी क्या है? आपका स्केलर हो गया। लेकिन मैंने कह दिया 2 meter per second ईस्ट, मैंने बता दिया कि 2 meter per second चल रहा है कहां? ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ चल रहा है, तो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। ओके, तो यहां हमें इसी वेक्टर को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले वेक्टर को डिफाइन किसने किया था? ये एक आयरलैंड के मैथमेटिशियन थे हैमिल्टन, और एक जर्मनी के मैथमेटिशियन थे गासमैन। इन लोगों ने ये जो वेक्टर होता है यानी सदिश हिंदी में कहते हैं, इनको डिफाइन किया और बताया कि इनको क्या क्या कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली वेक्टर जो था वो मैथ्स और फिजिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो बाद में जब कुछ मैथमेटिशियन और फिजिशियन जो मिले, उन लोगों में प्रॉब्लम आने लगी कि मैथमेटिक्स का अलग रोल हो गया और फिजिक्स का अलग रोल हो गया, थोड़ा टफ हो गया। तो वैसे एक्चुअली हम वेक्टर के जो फादर कहते हैं वो इन्हीं को कहते हैं, हैमिल्टन एंड गासमैन। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे और ये आयरलैंड के थे। और किस ईयर में इन्होंने डिस्कवर किया था? 1943 to 1944। लेकिन बाद में अब ये जब टप पड़ने लगा तो क्या किया गया, बहुत सारे मैथमेटिशियन और फिजिशियन लोग मिलकर के एक इजी वेक्टर को डिफाइन करने लगे। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने दिया, लेकिन एक और एक मैथमेटिशियन है गिब्स, जिनका नाम था क्या था? गिब्स। तो उन्होंने 1884 में एक बुक लिखी, क्या लिखा? एक बुक लिखा, और उस बुक में मैथ्स और ये जो वेक्टर था पूरा डिफाइन कर दिया और कह दिया कि ये बुक जो भी होगी ये मैथ और फिजिक्स दोनों को कॉम्बिनेशन करके सेम रूल को फॉलो करेगी।
लेकिन 1884 में जब इन्होंने बुक बनाया तो पब्लिश नहीं हुआ, उसके कुछ पेज को पब्लिश किया गया बाद में। ये कौन सेंचुरी है? 19th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी, इट मींस 20th सेंचुरी का मतलब हो गया कि 1900, इट मींस 1900 टू ईयर 1999, इसके बीच में यानी इस ईयर के बीच में पूरी बुक को बाद में पब्लिश किया गया, पहले नहीं किया गया। ओके, तो हम अब जो पढ़ते हैं वो गिब्स ने जो दिया है हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया, कोई सॉलिड या कोई सब्सटेंस, कोई सॉलिड मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। अब इस फोर्स में मैंने फोर्स ही कितना लगाया, 2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। एंड लेट दिस पॉइंट हियर ए एंड दिस पॉइंट हियर बी। ओके, तो यहां तो ये तो 2 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन है या नहीं है, क्योंकि मैं सामने की तरफ लगा रहा हूं फोर्स। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन देन कॉल इट वेक्टर। तो यहां ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए बी। बट इसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका क्या है, हम कैसे, क्या हमेशा वेक्टर लिखते हैं? नहीं, एक शॉर्ट मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे, हम ऐसे लिखेंगे ए बी एंड राइट दिस वेक्टर। यानी जो वेक्टर है, जो क्वांटिटी है, अगर वो डायरेक्शन को शो करती है मैग्नीट्यूड के साथ, तो बस हम उस पर एरो लगा देते हैं। और एरो ये वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है। तो यहां ये एरो क्या शो करता है, तो इस एरो की जो लेंथ होगी, यानी लेंथ हाफ एरो शोइंग हियर मैग्नीट्यूड, यानी जो इसकी लेंथ है वो क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड को शो करेगी। लेकिन ये जो नोक है, देखो ये लेंथ हो गई है, लेकिन इसकी जो नोक है, जैसे मैंने किया तो ये इसकी नोक हो गई, ये क्या शो करेगी, ये डायरेक्शन को शो करती है। तो समझ में आ गया कि अगर किसी भी, जैसे मैंने कहा वेक्टर ए, तो आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या चीज हो गई, लेंथ हाफ एरो शोइंग हियर मैग्नीट्यूड एंड दिस ईयर, ये नोक जो है आपकी, ये किसको शो करेगी, डायरेक्शन को शो करेगी। क्लियर हो गया? अब एक चीज, ये तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज रिप्रेजेंट कर दी गई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए वही इसका मैग्नीट्यूड बताओ, यानी आपसे पूछ लिया गया कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसको कैसे लिखते, तो इसको दो मेथड है आपके पास, या ऐसे लिखते हो वेक्टर लिखो और उसका मॉडुलस लिखो, मॉडुलस। और ये मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है वेक्टर के लिए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो इस मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, ये लिख दो और ओनली ए, यानी चाहे ऐसे लिखो या ओनली ए लिख दो, बट उस पर वेक्टर मत लगाओ। क्यों? क्योंकि वेक्टर लगाने का मतलब वो दो चीजें आ गई। तो अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखना चाहते हैं तो उस पर वेक्टर अगर लगाया तो उसका मॉड लिख देंगे, मॉड मींस ये। ओके, अदरवाइज सिर्फ ओनली जो क्वांटिटी होगी वो लिख देंगे। जैसे ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओनली ए बी, ए बी लिख दो और ए बी हियर विद वेक्टर विद मॉड। समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ वेक्टर। ओके, सो फर्स्ट ईयर लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। मैंने एक वेक्टर बना दिया ये, एंड दिस पॉइंट हियर ए एंड दिस हियर बी। इफ ए हियर फिक्स देन ए बी वेक्टर हियर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। यानी ए पॉइंट अगर आपका फिक्स है देन हियर कॉल्ड ए बी वेक्टर इज लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे मैंने ये बना दिया, देखो ये हवा में ही कर रहा हूं, तो मैंने अब यहां से करूं, अब वैसे मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो अब यहां से फेंक रहा हूं, यहां से फेंक रहा हूं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं। तो जब फिक्स पॉइंट नहीं होगा तब क्या कहलाएगा, मैंने इसको बनाया ए बी, ए हियर इनिशियल पॉइंट, ये जो ए होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा और बी, बी क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। हियर ए नॉट फिक्स, तो जब ए फिक्स नहीं है तो ये ए बी वेक्टर कैसा वेक्टर कहलाएगा, फ्री वेक्टर कहलाएगा। बट ए अगर फिक्स हो गया तो लोकलाइज वेक्टर कहलाएगा। ओके, नाउ इक्वल वेक्टर। तो इफ एनी टू वेक्टर विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, इट मींस सेम डायरेक्शन, सॉरी, ओके, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने यहां लिख दिया ए वेक्टर एंड हियर बी वेक्टर। अब दोनों डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन ये होगी और दूसरे की डायरेक्शन सेम हो गई, सेम डायरेक्शन है,
मैग्नीट्यूड आल्सो सेम। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने बताया है कि मोड से लिखते हैं, और डायरेक्शन भी सेम, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ओके, एक मैंने यहां नहीं लिखा अपोजिट वेक्टर, तो अपोजिट वेक्टर क्या होता है ये भी जान लो, मैग्नीट्यूड हियर सेम बट डायरेक्शन हियर अपोजिट, डायरेक्शन हियर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, देयर इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। ठीक, अब हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ये चीज समझ लो, नेगेटिव वेक्टर मींस इफ राइट एन ए बी वेक्टर देन ए हियर इनिशियल पॉइंट एंड बी हियर एंड पॉइंट, जैसे यहां ए क्या है इनिशियल पॉइंट है आपका और बी क्या है एंड पॉइंट, अगर मैं इसको चेंज कर दूं बी को इनिशियल कर दूं और ए को क्या कर दूं एंड पॉइंट कर दूं, यानी समथिंग मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो मैंने ऐसे लिख दिया बी ए, ओके तो ये क्या हो गया, ये पहले जो वेक्टर था उससे कैसे रिलेटेड होगा, ये वाला वेक्टर से नेगेटिव वेक्टर है इसका, किसका ए बी का, क्यों, जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अब हम यहां पीछे की तरफ जा रहे हैं, ओके तो डायरेक्शन जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहां वेक्टर में जो रूल है वो क्या है कि जब हम डायरेक्शन को चेंज करें तो यहां माइनस लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर हो जाएगा। एक और चीज बता दें नेगेटिव वेक्टर के लिए, जैसे मैंने कोई ये वेक्टर लिखा, देखो ये ए वेक्टर मैंने बताया, ओके दिस इज ए वेक्टर, अब इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो क्या करूं, मैंने कहा जस्ट उसका कोई डायरेक्शन ये ये बना दू, ओके तो ये क्या हो गया, ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया, किसी ने कहा नहीं ये आपका ए वेक्टर, तो क्या करोगे इसके नेगेटिव वेक्टर बनाना हो तो जस्ट इसके अपोजिट ये बना दू, तो ये क्या हो गया माइनस ए वेक्टर हो गया, तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है जस्ट उसके अपोजिट बना दो। ओके अब हम बात करते हैं लाइक वेक्टर, तो लाइक वेक्टर क्या होता है, इफ ए एंड बी हियर लाइक वेक्टर, अगर ए और बी दो वेक्टर लाइक वेक्टर है तो दोनों एक ही दिशा में वर्क कर रहे होंगे, यानी जो उनकी वर्किंग होगी एक ही डायरेक्शन में होगी, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर है, ठीक है एंड दिस इज बी वेक्टर, ये दोनों क्या है दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, देन ए बी हियर लाइक वेक्टर, समझ आ गया। दूसरा अनलाइक वेक्टर, जब ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर वर्क कर रहे हो, इट मीन जैसे मैंने यहां बना दिया और एक ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो गया अनलाइक वेक्टर। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैंने ऐसे वेक्टर बनाया और दूसरा ये बना दिया इसके जस्ट पैरेलल है, तो ये कैसा वेक्टर होगा, ये भी लाइक वेक्टर होगा, क्योंकि भाई दोनों डायरेक्शन एक ही, तो यहां जो भी ऑब्जेक्ट होगा ओके सेम वर्क कर रहे हैं, देयर लाइक वेक्टर। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड में बता दिया कि कैसे फाइंड करते हैं ये नहीं बताया, बस रिप्रेजेंट कैसे करती है बताया, मैंने कहा कोई भी वेक्टर है चलो कोई वेक्टर लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर है, अगर इसका इसे यूनिट वेक्टर कहेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या करें इस क्या चीज क्या फॉलो करना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इफ यू वन देन ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड वेक्टर, यानी कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालो वन आ जाए, कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बाद में बताऊंगा डेफिनेशन अभी बताऊंगा, तो अगर वन आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देखो, हम कोई भी वेक्टर लिखेंगे जैसे पूरा लिखे यूनिट वेक्टर ए, या हम शॉर्ट फॉर्म में उस पर कैप लगा देते हैं, अगर कैप लगा हुआ है तो यू नो हियर दिस हियर यूनिट वेक्टर ए, जैसे मैंने कहा यूनिट वेक्टर बी लिख दो, तो यहां अगर b लिखा है ऐसे ये कैप लगा दिया, देन दिस रीड हियर यूनिट वेक्टर आर b, ओके अब और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है ओवर होता है। अब हम बात करते हैं जीरो एंड नल वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाला अगर जीरो आ गया तो क्या कहलाएगा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जैसे मैंने कहा वेक्टर a इसका मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड किया क्या मिल गया जीरो, देन a वेक्टर हियर कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, ये भी समझ में आ गया। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने कहा कि ये कोई
एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट पी, ये हो गया ओ एंड दिस हियर पी, तो इस ओपी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे, ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट ऑफ ओ, विथ रेस्पेक्ट ऑफ ओ। अब इसका मतलब समझ लो, जैसे मैंने ये लिख दिया ए, कोई ए पॉइंट लिख दिया और दूसरा बी लिख दिया, अब मैंने कहा ए के रेस्पेक्ट में, ध्यान सुनना, ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर बताना है, किस पॉइंट का, बी का, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए बी होगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है वो पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है और जिस पॉइंट का निकाला जाता है वो एंड पॉइंट होता है। तो जैसे मैंने यहां ओपी वेक्टर लिखा तो ओ के रेस्पेक्ट में लिखा और किस पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए, समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब एक चीज और हमें बता दो, जो मैंने यूनिट वेक्टर लिखा उसको डिफाइन कैसे करते हैं, सपोज दैट ए वेक्टर आपको पता है, अब इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है वो भी मैं बता दूं यूनिट वेक्टर के लिए, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप से। तो यू नो ये ए वेक्टर मुझे पता है, अब उसका ए कैप निकालना है, तो हम क्या करते हैं उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी कोई भी वेक्टर पता है आपको उसका मैग्नीट्यूड पता कर लो और उसको डिवाइड कर लो, तो जो आएगा उसी हम क्या कहेंगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो मैं एक और बता दूं, जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, समझ में आ गया। इसको आप मैग्नीट्यूड को मैंने ऐसे भी बताया है कि यहां ए वन ले सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 10.1, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हियर रिप्रेजेंट ग्राफिकली ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ये जो लैंग्वेज लिखा है कि कोई पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर कितने डिग्री पर, 30 डिग्री। तो उसको मैंने मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, ड्रॉ हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लेट दिस हियर ईस्ट वेस्ट, ओके, डैश इन लाइन नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ ये हो गया, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट देखो इधर, तो यहां से हम चल इधर कितने डिग्री पर, 30 डिग्री, तो सपोज हियर दिस 30 डिग्री, यानी ये आपका कितना है 30 डिग्री। अब इस पर 40 किलोमीटर आपको चलना है, तो वहां जब आप लिखिए रिप्रेजेंट करिए, देन दिस हियर 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर आप मेजर कर लेंगे, लेट दिस पॉइंट हियर ओ एंड 1 इट मींस 10 10 10 एंड दिस 10, ओके, ये लेंथ हो गई, तो ये क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड शो करेगी, एंड नाउ दिस एरो, ओके, तो ये एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, कहां से, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो ये जो रेड पेन से मैंने बनाया एंड आप यहां लिखेंगे ये 1 सेंटीमीटर इक्वल 40 किलोमीटर, देन दिस दिस 10 10 10 एंड 10, ओके। तो ये रेड पेन वाला जो मैंने लिखा, दिस पॉइंट हियर पी, देन ओपी हियर is equal to 40 किलोमीटर 30 डिग्री is of north, यह पूरा OP वेक्टर हो गया, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या कह रहा है, कुछ क्वांटिटीज दी गई है और उनको आपको पता कर रहे हैं, क्वांटिटीज में कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, देन वी आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो चलिए इनको चेक करना है कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केल है। 10 kg, तो 10 kg, 10 kg क्या है, लेकिन एक चीज और याद रखना है भाई, 10 किलो ग्राम मैंने कह दिया 10 किलो, तो क्या है, बस कहीं भी कह दिया डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, ये तो आपका स्केल हो गया, बट अगर यही लिखा होता 10 kg वेट, वेट मींस क्या, भार,
तो वेट हमेशा किसकी तरफ होता है, अर्थ की तरफ होता है। तो अगर यही 10 केजी वेट लिख दिया जाता देन दिस इज वेक्टर, क्योंकि हर एक क्वांटिटी को अगर हम छोड़ दें फ्री तो उसका वेट कहां होता है, अर्थ की तरफ होता है। तो अगर यहां वेट लिखा होता तो ये स्केलर हो जाता, बट यहां वेक्टर नहीं, वेट नहीं था, ओनली 10 केजी, ओनली मास हियर, तो मास कैसा स्केलर, तो ये तो नहीं होगा। नाउ ये 2 मीटर, अगर ओनली 2 मीटर लिखा होता तो ये भी स्केलर था, बट यहां डायरेक्शन लिखा हुआ देखो नॉर्थ वेस्ट, तो ये आपका जो हुआ सेकंड वाला वो कैसा हो गया, दिस ईयर वेक्टर 40 डिग्री अगर लिखा होता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, या लिखा होता 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तब वो वेक्टर होता। ओनली डिग्री लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये स्केलर है, ये भी वेक्टर नहीं है। 40 वाट, अरे कहते 10 वाट का 10 वाट का बल्ब चाहिए, 15 वाट का बल्ब चाहिए, तो बल्ब वाट, ओके, तो वहां वाट में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। 10.19 कूलम, जैसे कहते हो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 10^-16 कूलम होता है, तो ये चार्ज में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, एक्सीलरेशन की है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन है। और आपको स्टार्ट में बताया कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो एक्सीलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहां होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं कोई चीज तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, इसलिए यहां डायरेक्शन कंपल्सरी हुआ, तो देन दिस आल्सो वेक्टर। तो आपका ये सेकंड एंड सिक्स ये दोनों कैसे वेक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वहां भी आपको क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटीज को चेक करना है कि ये भी स्केलर है कि वेक्टर है। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये देखो ये सर्किल बना दिया, यहां से चले आप यहां, यानी पूरा वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो टाइम जहां वर्ड आ गया वो क्या हो गया, स्केलर हो गया, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर ये दिखा होता टाइम पीरियड क्लॉकवाइज तब आपका हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इस डायरेक्शन में, ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस, तो टाइम पीरियड के साथ अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तब वो हो गया, बट टाइम पीरियड में लिखा हुआ है देन स्केलर। डिस्टेंस, अब एक चीज समझ लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा और दूसरा पॉइंट यहां लिख दिया, दिस ईयर ए एंड दिस ईयर बी, अब ए से बी तक पहुंचने में हम बहुत सारे रास्ते का यूज कर सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ये ए पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट है, ओके, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, क्लियर। तो यहां हमारे पास बहुत सारे वे थे ए से बी तक पहुंचने के लिए, तो ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस है। ए से बी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटी जो दूरी होगी, ये देखो ये फ्रंट साइड, देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं, बट यहां डायरेक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ए से बिल्कुल एकदम सीधे हम बी की तरफ जा रहे हैं, बट उसमें क्या, चाहे इधर से जाते ऐसे ऐसे घूमते हुए कहीं जाते, वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, तो डिस्टेंस आपका स्केलर है, बट यही मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर। तो एक चीज और यही डिफाइन कर लो, जब आप स्पीड लिखते हो स्पीड, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखते हो। तो स्पीड ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसा है, स्केलर है, तो स्पीड आपका कैसा हो गया, स्केलर हो गया। बट जब वेलोसिटी लिखते हो, वेलोसिटी तो लिखते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां वेक्टर आ गया। तो वेलोसिटी जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका वेक्टर होगा, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है। डिस्टेंस तो आपका था नहीं, फोर्स भी आपका वेक्टर है, क्यों, क्योंकि भाई जब फोर्स लगा रहे हो, जैसे मान लो इस बोर्ड को मुझे पीछे की तरफ करना है, तो क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हो तो उसकी तरफ ऐसे लगाते हो, है ना, जैसे दरवाजे को खोलना है तो आप ऐसे खींचोगे अपनी तरफ, तो यहां डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तो फोर्स, ओके, यानी फोर्स कैसा हो गया, फोर्स भी वेक्टर हो गया। वर्क, वर्क ये आपका वेक्टर नहीं है, इसमें कंफ्यूजन रहती है, जैसे मान लो इस बोर्ड को हमें उठाना है, तो मैंने बोर्ड को उठाया, उठा के यहां रख दिया, समझ रहे हो ना, तो ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया। तो यहां देखो मैं सिर्फ
यहां फोर्स ऐसे यहां पकड़ रहा हूं ना, देखो इसको पकड़ रहा हूं ऐसे, यहां से पकड़ लिया ऐसे, तो मैं इसको उठाऊंगा तो पूरा चीज डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क के लिए कभी भी वेक्टर आप लिखाओगे या करना वर्क क्या है इसके लिए, तो यहां दो चीजें वेक्टर एंड फोर्स, ये दो चीजें कैसी थी वेक्टर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले दो पॉइंट्स समझ लो स्टूडेंट्स, को इनिशियल एंड को लीनियर। तो को इनिशियल वेक्टर कैसे किसे कहते हैं, समथिंग कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो एक ही पॉइंट, जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो उनको कहते हैं को इनिशियल। जैसे समझ लो इसको, जैसे मैंने ये को लिखा, एक वेक्टर ये बना दिया, दूसरा वेक्टर ये बना दिया, तीसरा वेक्टर ये बना दिया, लेकिन सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ए। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए बी सी आर पर को इनिशियल वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है उनको को इनिशियल कहते हैं। अब दूसरी चीज को लीनियर वेक्टर की बात करते हैं। को लीनियर का मतलब अगर कोई दो वेक्टर है दोनों पैरेलल हैं, अब चाहे सेम डायरेक्शन में हो, देखो यहां मैंने ए कहा बी कहा, मैग्नीट्यूड भी सेम होने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्शन उनकी सेम हो या अपोजिट हो उससे मतलब नहीं, बस वो पैरेलल हो, कैसे हो पैरेलल, मतलब एक सी वेक्टर बना दिया, बस कह दिया ए बी सी है पैरेलल, डायरेक्शन कुछ भी हो, तो ये तीनों कैसे हो गए को लीनियर हो गए। तो यहां इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, पूछ रहा है को इनिशियल वेक्टर इसके कौन कौन से हैं। तो देखो को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से मिलने वाले, एक ही पॉइंट पे मिलने वाले जिनकी इनिशियल पॉइंट एक ही हो, यानी इनिशियल पॉइंट इनका एक ही हो। तो देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या एक ही है, तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से होंगे, ए एंड डी वेक्टर, यानी ए एंड ये डी वेक्टर दोनों कैसे होंगे को इनिशियल, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इन दोनों के एक ही थे। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर की, तो इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। तो इस फिगर में देखो, तो देखो बी इसकी डायरेक्शन ए तो इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, तो ए और सी तो अपोजिट हो गए, वो कैसे हो गए, वो तो कोलिनियर हो गए, कोलिनियर का मतलब मैंने कहा था पैरेलल, तो कोलिनियर हो गए और ये भी कोलिनियर। बट यहां जो इक्वल पूछ रहा है, तो जिसकी डायरेक्शन सेम होती है ये तो अपोजिट हो गए, ये डायरेक्शन देखो डी की और ये बी की दोनों की डायरेक्शन सेम थी और इक्वल भी है दिख रहा है फिगर से, तो इक्वल वेक्टर कौन कौन से होंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर। अब यहां पूछ रहा है थर्ड में कोलिनियर, तो कोलिनियर तो दो थे, कौन कौन से, ए और सी कोलिनियर था, बी एंड डी कोलिनियर था, बट नॉट इक्वल, लिखा भी है इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डायरेक्शन उनकी अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर यहां कोलिनियर पूछता तो दो लिख सकते थे ए एंड सी बी एंड डी, बट कह रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो इसका मतलब कौन सा होगा, बी और डी तो इक्वल है, ए एंड सी हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग ए एंड सी वेक्टर थे कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, ए एन माइनस ए आर कोलिनियर, तो यस होगा, आपको अभी मैंने बताया था कि देखो जैसे वेक्टर मान लो हम ए बना रहे हैं, वेक्टर ए मैंने बनाया है, तो माइनस ए क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये पैरेलल होता है, ये कैसा होता है पैरेलल, तो कोई भी पैरेलल वेक्टर हो देन कॉल कोलिनियर। तो ये सही हो गया आपका फर्स्ट वाला, करेक्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं भाई, कोलिनियर वेक्टर में कंपलसरी जो है वो पैरेलल होना कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो गया सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले की बात करते हैं, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं, अभी तो बताया कि अगर सेम मैग्नीट्यूड हो तो क्या कोलिनियर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई मैंने कहा देखो एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया ए और दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे बना दिया बी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, इट मींस इसका मैंने ऐसे निकाला और इसका भी ऐसे निकाला, तो दोनों सेम तो आ गए, बट डायरेक्शन क्या सेम है, सेम या अपोजिट, इट मींस पैरेलल है दोनों, नहीं है, तो यहां कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना कंपलसरी, तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ओके, तो एक मिनट, ये तो वही था, यस, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ये भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि भाई कोलिनियर वेक्टर के लिए मैंने एक ही चीज बताई, बस पैर
पैरेलल होना जरूरी है, पैरेलल होना जरूरी है, डायरेक्शन सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं। तो अब ये एक्सरसाइज 10.1 आप कंप्लीट कर लोगे, ओके okay?